فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमारा कोर्स आए कुरान समझें शुरू से आखिर तक अंडरस्टैंड कुरान फ्रॉम बिगनिंग टू एंड का लेवल थ्री उसका सबक नंबर बीस जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सत्रहवें पारे हज को, को मुकम्मल करने जा रहे हैं सूरत हज को कल हमने कल के सेशन में हमने उसको शुरू किया था और हज के कुल दस सफ़ाते हैं कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाँच सफ़े आज आ, कल पाँच सफात पढ़ी और आज पांच सफहत पढ़कर हम इस सूरत को और सत पारे को अल्लाह की तोफीक से मुकम्मल करेंगे मकासद और कोर्स का तारुफ आप सबके सामने है सूरत का तारुफ कल भी गुजरा था मक्की सूरत है और इसकी बाज आयात मदीना में भी नाजिल हुई जैसा कि उनके मौजूद से पता चलता है और हज की मुनासिबत से इसका नाम सूरतुल्हज रखा गया था शुरू की सैंतीस आयात पड़ी थी आज हम इनशा आयत नंबर अठतीस से लेकर आयत नंबर अठहत्तर तक मुकम्मल आयात पढ़ेंगे इन मौजूद के अंदर जिहाद का जिक्र है और इसी तरह एक अल्लाह रबुल रबुलजत की इबादत करना अबूदीत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस किया जाए इस चीज का जिक्र है तो चले हम चलते हैं अपने सफात और वन बाय वन अपने मौजूद की तरफ आयत नंबर अठेतीस से आज का लेसन शुरू होता है कुरानी मजिद का सफा नंबर तीन सौ सैंतीस है और सफर नंबर तीन सौ सैंतीस है पारा सतरवा है इस सफे पर जो आयात है वो थर्टी एट से लेकर फोर्टी सिक्स तक की आयात है जिनको मुख्तलिफ इशारात और मौजूद के अंदर तकसीम किया गया है तो मैंने कहा था कि आयत नंबर अठतीस से लेकर आगे तक आयत नंबर साठ तक जिहाद के बारे में गुफ्तु होगी तो चलिए हम पढ़ते हैं बेश अल्लाह ऊ वो दूर करता है किस से दूर करता है अनिल उन लोगों से जो ईमान लाए अल्लाह ईमान वालों से दूर करता है हटाता है किसको दूर करता है मतलब दुश्मनों की दुश्मनियों को चालों को दूर करता है अल्लाह इज्जत अहले ईमान का दिफा करता है यह तो अहले ईमान के साथ अल्लाह का मामला है तो जो खयानत करने वाले ना शुक्रे हैं उनके साथ अल्लाह का मामला क्या है फरमाया इन अल्लाह बेश्बू नहीं पसंद करता कुल खान हर खेनत करने वाले को ख़वान ईसा मुबालगा है बहुत करने वाला कफूर बहुत ना शुक्रा जो बहुत खयानत करने वाला ना शुक्र है अल्लाह उसको पसंद नहीं करता और अल्लाह ईमान का दिफा करता है अल्लाह उनसे दुश्मनों की चालों को दुश्मनियों को दूर हटाता है अल्लाह अकबर आयत नंबर थर्टी नाइन तर्जमा पढ़ने से पहले आप इस आयत के बैकग्राउंड बैकग्राउंड को पढ़ लीजिए ताकि आयत के समझने के अंदर आसानी रहे याद रखिए नबी करीम वसल्लम और एले ईमान पर ने मक्का की तरफ से तरह तरह के मजालिम ढहाए जाते हैं अब नबी करीम अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना मुनवरा में आते हैं अल्लाह रबुल्ज़त इस्लाम को इतनी कु्वत अता करता है कि मुसलमान कुफार का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से भी इजाज़त दे दी जाती है जिहाद की अल्लाह की तरफ से भी किताल और लड़ाई की इजाज़त दे दी जाती है और अक्सर मुफसरीन फाहा के नज़दीक ये वो आयत करीमा है जिससे दीन इस्लाम के अंदर जिहाद को मशरू दीने इस्लाम के अंदर जिहाद की मशरूयत होती है अल्लाह ने फरमाया, उदीना उदीना फेल मजूल इजाजत दी गई, लजीना उन लोगों को जिन्हें लूना जिनके साथ किताल किया गया फेल मजूल पैसी वाइज युका लूना जिनके साथ लड़ाई की गई उन्हें इजाजत दे दी गई किसकी इजाजत मतलब अपना दिफा करने की मुकाबला करने की इजाजत दे दी गई अच्छा सबब क्या है इस इजाजत के मिलने का बी बेअ बा यहां सबब के माना में है बेना हम सबब यह है कि उन पर जुलिमो जुल्म किया गया तो यह तीनों फेल मजहूल है पैसी वाइज उजीना युकालूना और जुलिमो उन पर जुल्म किया गया इस वजह से उनको इजाजत दी दी गई किन को जिनके साथ जंग की गई जिनके साथ लोगों ने लड़ाई की मुशरकिन ने उन्हें तकलीफें पहुंचाई उनको इजाजत दे दी गई किताल की वह इन अल्लाह और बेशम उनकी मदद करने पर अलबत्ता अलबत् है अल्लाह उनकी मदद करने पर कुदरत रखता है तो याद रखिए जिहाद इस्लामी सबसे पहले जो शुरू हुआ था उसको मशरू करार दिया गया था तो उसका मकसद क्या था जुल्म का बदला मुसलमानों पर जुल्म किया गया अहले इस्लाम पर जुल्म किया गया कुफार की तरफ से तो अपना दिफा करने के लिए यह जहाद इस्लामी का मकसद है और दूसरा मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी आप देखिए मुहाजरीन का जिक्र है अल्लाह ने फरमाया अल्लादीन उखरिजू यह भी फेल मजूल है पैसी वाइज वो लोग जिन्हें निकाला गया यानी जिनको इजाजत दी गई वो कौन लोग हैं ओखरीजो जिन लोगों को निकाला गया मीन दियारी उनके घरों से दार उनकी जमा दियार जिन लोगों को उनके घरों से निकाला गया कैसे निकाला गया बैर हक बगैर हक के बगैर हक के निकाला गया इल्ला सिवाए बोले इल्ला अला अं ये कि उन्होंने कहा रब्ला हमारा रब अल्ला है बस ये उनका कसूर था कि उन्होंने कहा हमारा रब अला है इस बात के कहने पर उन्हें घरों से निकाला गया अब जो आगे मजमून बिहार उन्हें आयत नंबर चालीस में ये इससे पहले भी आप एक मरतबा पढ़ चुके हैं अल्लाह ने फरमाया फ्लासा और अगर ना होता अल्लाह का हटाना लोगों को बदहू बिबादी बाज को बाज के जरिए मतलब कभी कोई किसी पर गालिब आता है कभी कोई किसी पर गालिब आता है ये अल्लाह का कानून है अल्लाह का निज़ाम है कभी मुसलमान गालिब आते हैं तो कभी मगलूब हो जाते हैं अगर ये अल्लाह का ये निज़ाम कानून ना होता बाज लोगों को बाज के जरिए हटाना दूर करना तो अल्लाह ने फरमायादी अलबत् गिरा दिए जाते उर्दू में जो हदम है ना वो इसी से है अलबत् गिरा दिए जाते स्वामी सौ, सौ की जमा सौ मातून की जमा जो छोटे गिरजे होते हैं या माबद खाने उनको कहा जाता है नसारा के महबदखाने उन, का क्या मतलब है जी बिया उनका मतलब जो बड़े माबद खाने या गिरजे हैं छोटे सवामी उन छोटे गिरजों को वह बिया उन और बड़े गिरजों को गिरा दिया जाता वह सला सलावाद से मुराद यहां पर क्या है जी सलावाद से मुराद यहां पर यहूदियों के माबत खाने हैं उनकी इबादत की जगह उनको भी गिरा दिया जाता वह मसाजिदू और मसाजिद को युद्ध का अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है कसरन बहुत ज्यादा वो मसाजिद जिनमें वो मसाजिद जिनमें अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है उनको क्या कर दिया जाता बोले गिरा दिया जाता अगर अल्लाह का यह कानून ना होता लेकिन फिर अल्लाह ने साथ ये वजाहत भी की वो अलबत् अल्लाह जरूर मदद करेगा देखें फेल मुज़ारे के शुरू में लाम आया आखिर में नून आया नूने शकीला जिसे कहते हैं तो बात में डबल ताकिब पैदा होगी कि अलबत् अल्लाह जरूर मदद करेगा किसकी मैंसुर हूँ जो उस अल्लाह की मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा तो अल्लाह की मदद से क्या मुराद है अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के नबी की मदद अल्लाह के दीन की मदद अल्लाह की किताब की मदद किताब के निफाज में मदद जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा इन लकवी अलबत्तः वो कवि है ताकतवर है आजीज वो गालिब है वो अल्लाह कवि भी है और आजीज भी है ये मत समझना अल्लाह के दीन की मदद करने से कि तुमने अल्लाह पर कोई एहसान का एहसान कर लिया? नहीं दीन की मदद भी करोगे तो इसमें तुम्हारी ही मसलहत है तुम्हारे लिए ही फायदा है और अल्लाह की सिफात भी आ गई कि तुम्हारा यह मदद करना अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसकी तो सिर्फ ही कवि और आजीज है उसकी सिर्फ ही बोले कवि और आजीज है इस्लामी हुकूमत के अहदाफ बताए गए इस्लामी हुकूमत के फ़राइज बताए गए अल्लाह ने अल्लादीना वो लोग जो इमत कन्ना अगर हम उन्हें ठहराएं हम उन्हें फिल और दी जमीन में अगर हम उन्हें ज़मीन में ठहराएं ज़मीन में उन्हें जगह अता करें हकूमत अता करें आकाम नंबर एक नमाज को कायम करेंगे नंबर दो वह आतु जक़ात ज़कात को देंगे नंबर तीन वह अमर उरूफ नेकी का हुक्म देंगे नंबर चार मुनकर बुराई से रोकेंगे ये उनके फराइज हैं आक़िबतुल उमूर और जितने भी मामलात का अंजाम है वो तो अल्लाह के लिए ही है ये काम करो या ना करो याद रखो जो आकिबत है अंजाम है वो तो अल्लाह के लिए ही है अल्लाह अकबर तो ाहिहित से के राम ने यह इस्ती किया अस्यासा शराइया की किताबों में इस साहित की बड़ी अहमियत है कि जो इस्लामी हकूमत के खदो खाल है उनके अंदर ये चीजें बेसिक्स और उसूल होते हैं कि इस्लामी हकूमत नमाज को कायम करती है देखें नमाज पढ़ना नहीं बल्कि कायम करना इसके अंदर ज्यादा मुबालगा मसाजिद के अंदर जमात के साथ कायम करना मसाजिद का तहफ़ और ये सारी चीजें कायम करने के अंदर आ जाती है नमाज को कायम करेंगे जक़ात को अदा करेंगे नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे तो याद रखें जिन मुआरों के अंदर आप देखें ये चार अनासर पाए जाते हैं वो मुआरे हमेशा दीन दुनिया में तरक्की करते जाते हैं और जिन मुआरों के अंदर इन चार चीजों चार चीज़ें ये ख़त्म होना शुरू होती हैं या नहीं पाई जाती वो मुआरे ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते ये अल्लाह का कानून है फरमाया मैंने आपको कई मरतबा ये मौजूद गुजरा कि मक्की सूरतों का एक बड़ा बुनियादी टॉपिक होता है नबी करीम सलम और साहब को तसली नबी करीम साम को तो तसली देना तो देखे इन आयात के अंदर कितनी बेहतरीन तसली है ना सिर्फ तसली बल्कि जो कुफर करने वाले हैं मुशरकन है उनके लिए वाईद भी है तसली के साथ बोले इनके अंदर क्या है वाईद भी है फरमाया वीबू का और अगर वो झुटलाएं का आपको अगर वो आपको झुटलाएं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मशरिकीने मक्का ये कुफार आपको झुटलाते हैं परेशान होने की बात नहीं फकत कذبت قبلهم तो तहकीक झुटलाया इनसे पहले किसने झुटलाया कौमु नूहिन नूह अलैहि सलाम की कौम ने व आद और आद ने व थمود और थمود ने कौम इब्रीमा इब्राहिम की कौम ने वह कौम की जुटलाया गया सात अकवाम आलम का जिक्र किया ताकि नबी करीम सलम के लिए कुछ तसली हो जाए और सात अनजाम का भी जिक्र कर दिए कि ये जो जुटलाने वाले थे फरमाया फम लई तो मैंने मोहलत दी, देना, देना. मैंने, दी, दी, दी... मैंने काफिरों को मोहलत दी डील दी लेकिन ये मोहलत एक मुआन वक्त के लिए थी सुम अखज तुम फिर मैंने उनको पकड़ लिया फकी फ नकीर और नकीर पर जेर है आखिर में मतलब नकीरी था असल में तो मेरी ये सजा कैसी रही मेरी ये पकड़ मेरी ये सजा कैसी रही अल्लाह फरमाया फिर पहले कई मरतबा गुजर चुका है का कितनी ही फ़क अयिन कितनी ही बस्तियों को अहलक ना? हा हमने उन्हें हलाक किया किस हाल में वाहि वालिमत ये बस्तियां जुल्म करने वाली थी अच्छा जब हमने इन्हें हला किया क्या अंजाम हुआ इनका फाहिया खावियत ये ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी आला उरू अपने छतों के बल ये बस्तियां अपने छपरों अपने छतों के बाल ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी वह और कुएं थे बेरिन का मतलब कुएं थे कैसे थे वो कुएं आतलातीन बेकार उर्दू में जो मअल कहते हैं मतलब जो बेफायदा चीज होती है वह कसरीन और महल थे मशीत वेरान बेरोनक बेरोनक और वेरान किस्म के महल और उनके कुएं उसी तरह बेकार पड़े हुए हैं ना उन महल्लात के अंदर कोई रहने वाला है ना उनको कु से कोई पानी निकालने वाला है और फायदा उठाने वाला है और वो बस्तियां अपने मुंह के बल ऊंधी होकर पड़ी हुई हैं हमने उनको हला किया अल्लाह अकबर तो देखिए कितनी बलागत वाली ये चार आयात है कि जिन चारों आयात के अंदर तसली और वाईद दोनों चीजों को जमा कर दिया गया तसली है अहले ईमान के लिए और वाईद है अहले कुफर के लिए अल्लाह अल्लाहब फरमायाफालमय यसीरु क्या वो नहीं चले सारा यसीर उसे है आप पढ़ चुके सारा यसीरु क्या वो नहीं चले फिल अर्दी जमीन में उर्दू सैर इसी चैप्टर से है क्या उन्होंने जमीन में फिर नहीं जमीन में फतकून कोलो बुन उनके दिल होते यह अकीरू नी जिनसे वो अक्ल करते औ उन या उनके कान होते हाँ जिनसे वो सुनते फा हकीकत तो ये है कि बेशक ला अबसार। आंखें अंधी नहीं होती और लेकिन तामल कुलूब दिल अंधे हो जाते हैं सुदूर जो सीनों में है हकीकत तो ये है कि बाज बंदे अंधी दिखाई देते हैं लेकिन वो असल में बिनाई आंखों की बिनाई नहीं है या नाबीना पन असल में आंखों के जरिए नबीना होना नहीं है असल नबीना तो वो है जो दिल का नबीना है देख लीजिए ये बात किस कदर सदाकत पर मबनी है बाज अश नबीना होते हैं नबीना होते हैं और किस तरह वो इल्म के कुरआन के सुन्नत के नूर से उनके सीने मुनवर होते हैं हमारे उसक्राम के अंदर एक शेख अब्दुल्ला जिनसे हमें दो साल पढ़ने का मौका मिला नाबीना है लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर मैं उनके बारे में बयान करना चाहूँ सऊदी अरब की फतवा कमेटी के रुकन हैं और उनका फतवा वो टीवी पर भी फतवा प्रोग्राम के अंदर आते हैं यानी वो नाबीना है मेरे मे मेरे उस कराम के अंदर वाहीद वो उस्ताद है नाबीना उनसे हमें फिक का वो फिक के टीचर हैं फिक का टॉपिक पढ़ने का मौका मिला अल्लाह क्या अल्लाह ने उन्हें हाफजा और इल्म और वक्त की पाबंदी अदा की थी तो आप कह लीजिए उनको देखकर करीमा को समझ आती है कि असल में जो अंधापन है वो आंखों का नहीं है असल में अंधापन तो दिल का अंधा होना है अल्लाह ने फरमाया फरमाए في लाता पस बेशक वो यानी बेशक ये जो दिल है या ये जो हकीकत है लाता अंधी नहीं होती अल्लाह अकबर नंबर तीन सौ अठतीस पारा है जिसकी आयात फोर्टी सेवन से लेकर फिफ्टी फाइव तक की आयात है जिनको मुख्तलिफ इशारात और मौजूद के अंदर तकसीम किया गया है। तो चले हम वन बाई वन इन मौजूद इन इशारात की तरफ आते हैं अल्लाह अकबर

वलें युखलिफ अल्लाह वादा हो और अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करता अल्लाह हरगिज खिलाफ नहीं करता वादा हो अपने वादे के व इन यौमन और बेशक एक दिन आइंद रब्बी का तेरे रब के हां का अल्फी सनतिन हजार साल के बराबर है मिम्मा ताउदून उससे जो तुम शुमार करते हो जो तुम शुमार करते हो उस गिनती के हिसाब से अल्लाह के यहां जो एक दिन है तुम्हारी गिनती के हिसाब से वो हजार दिनों के बराबर है हजार सालों के मतलब तुम्हारे हजार साल हो तो अल्लाह के यहां एक दिन बनता है अब इस आयत करीमा की दो तफसीरें की गई पहली ये कि ये अल्फ सना से मुराद क्यामत का दिन है जैसा कि दीकर आयात के अंदर आया भी कि क्यामत का दिन एक हजार या पचास हजार साल के बराबर होगा और बाद मुफसरी ने कहा कि नहीं इससे मुराद ये है कि इस वक्त भी अल्लाह के यहां जो दिनों की गिनती है अल्लाह का एक दिन वो पच वो एक हजार साल का है हमारी हिसाब से अब आयात को समझिए अगर अल्लाह किसी काफिर को डील देता है वो काफिर ये समझता है कि मुझे तो बीस साल की डील मिल गई तो आपको पता है ये बीस साल अल्लाह के दिन के हिसाब से आधे घंटे का टाइम भी नहीं बनता और अगर किसी को 40 दिन 40 सालों की हमारे हिसाब से 40 सालों की मोहलत मिली तो ये अल्लाह का हजार साल के दिन का हजार साल का जो दिन है उस हिसाब से ये एक घंटे का टाइम बनता है हमारे 40 साल अल्लाह समझ आ गई जी तो इस वजह से अगर किसी को मोहलत मिलती है तो वो अपने हिसाब से इस मोहल्लत को बड़ी तवील शुमार करता है कि देखे मोहम्मद तेरह साल से हमें बुला रहे हैं और हम इनकार किए जा रहे हैं तकलीफें पहुंचाए जा रहे हैं अगर मोहम्मद अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो हम पर अजाब क्यों नहीं आता यह कह कहकर ने मक्का लोगों को मुतरफर किया करते अल्लाह तो ने फरमाया कि अल्लाह कभी भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता हाँ, ये है कि अल्लाह के यहां जो गिनती है तुम्हारी गिनती के हिसाब से तुम्हारे हजार साल अल्लाह के यहां एक दिन बनता है और साथ ये भी बता दिया मिन कितनी ही बस्तियां हैं अमलैतु अम मैंने डील दी लहा उन बस्तियों के लिए वाहिया गालिमत और वो जुल्म करने वाली थी फिर क्या हुआ हा। फिर मैंने उनको पकड़ लिया मैंने उन बस्तियों को डील दी फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया वह इलेयल मसीर और मेरी ही तरफ लौटकर आना है वापिस तो मेरी ही तरफ लौटना है जितनी भी मोहलत मिली हती के एक इंसान को उसके किए की सजा दुनिया में नहीं भी मिलती तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कर रहे बल्कि उसने लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है कुल ए मोहम्मद सल्लम कह दीजिए या ए लोगो, मुबीन मैं तो बस तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला मुबीन वाज तौर पर खुल्लम खुल्ला फल अनु बस वो लोग जो ईमान लाए वह आमिलहती और उन्होंने नेकमाल किए लहुम मकफी करीम उनके लिए अल्लाह के पास दो इनाम हैं पहला इनाम लहुम मकफीत उनके लिए मकफिरत है दूसरा वारिस कौन करीम बड़ा करीम बड़ा खूबसूरत बड़ा इज्जत वाला रिस्क है अल्लाह के पास उनके लिए आयातिना ईमान वालों के अपोजिट दूसरे लोग कौन है वजीन असाओ और वो लोग जिन्होंने कोशिश की फी आयातिना हमारी आयात में मुआजीना आजिज करते हुए हमारी आयात में वो आजीज करते हुए उन्होंने कोशिश की यानी उन्होंने ये समझा कि वो मोहम्मद को या अल्लाह को याजीज कर देंगे अल्लाह ने फरमाया यही वो लोग हैं है जहीम जो जहन्नम वाले हैं यही है जहन्नम वाले साहिब उनकी जमा असहाब वो अमा अरसल कबली का और नहीं हमने भेजा आपसे पहले मर रसूल कोई रसूल ताकीद हो गई नकिरा से पहले मिन आया ताकीद हो गई कोई रसूल भी ए मोहम्मद आपसे पहले कोई रसूल भी नहीं भेजा वाला और ना ही कोई नबी इला मगर क्या हुआ इदा तमन्ना जब उस नबी ने कोई आरजू की अलक शैतानु शैतान ने डाल दिया फी उम ही उसकी आरजू में शैतान ने उसकी आरजू में अपना हिस्सा डाला मतलब हर नबी और रसूल ने यह आरज़ू की कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाए शिर को छोड़ दें अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें यह हर नबी और रसूल की आरज़ू है लेकिन हुआ क्या शैतान ने अपना हिस्सा डाला लोगों को उससे रोकने की कोशिश की उस नबी और रसूल की आरजू में तो मतलब यह है कि अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है एक तो पीछे सात अकवाम का जिक्र हुआ उन अकवाम ने भी अपने नबी और रसूलों को जुटलाया और अब ये बताया जा रहा है कि शैतान भी पूरी कोशिश करता है कि नबी और रसूल की वो आरज़ू पूरी ना हो लेकिन अल्लाह का कानून अल्लाह मिटा देता है बोले अल्लाह मिटा देता है मूल की शैतानू जो शैतान डाल डालता है शैतान जो मिक्सअप करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको मिटा देता है तुम मुल्ला हो और फिर अल्लाह उसको साबित करता है आयात ही अपनी आयात को, फिर अल्लाह अपनी आयात को साबित करता है वह आलिम हकीम और अल्लाह इल्म रखने वाला हिकमत वाला है और इस आयत रिमा की इससे ज्यादा तफासिर भी की गई है इसके अलावा भी दीगर अकवाल है कि इससे मुराद क्या है बाद जो मजूद, मजीद के अंदर नासिक और मनसूख का टॉपिक है उस जेहद से भी इस आयत की तफसीर बाज मुफसरीन ने की है बहाल वल्लम जो सबसे राजे थी वह मैंने आपके सामने की अल्लाह ने फरमाया ली है ताकि वह बना दे मतलब वो अल्लाह बना दे माँ युल्कि शैतान जो शैतान ने डाला लोगों को रोका नबी की आरजू में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की ताकि अल्लाह उसको बना दे फितनतन आजमाइश कई मरतबा गुजरा फितने का लफ्जी मतलब आजमाइश होता है अल्लाह उसको आजमाइश बना दे किन के लिए आजमाइश लदीना उन लोगों के लिए फी कुलूबिहिम भी मरदून जिनके दिल में मर्ज है जिनके दिल में मर्द है वो पहले से दीने इस्लाम के बारे में शकुक शुभात का और इन चीजों के अंदर मुबतला है तो लरबुल इजत उनके लिए यह आजमाइश बना दे नंबर एक कैटेगरी जिनके दिलों में मरज है सेकेंड कैटेगरी वलका सती कलूब हो और जिनके दिल सख्त हैं उनके लिए भी यह फितना आजमाइश बन व इन नालिमी न और बेशिम लफी शिकाकद वो दूर की बदबख्ती में है लफीशी का बता बदबखती में बीद बड़ी दूर की बड़ी दूर की बदबख्ती में है। ये सारे अमाल ये बदबखती पर दलालत करते हैं और जुल्म करने वाले और कई मरतबा गुजरा जालिमीन या जुल्म की सबसे बड़ी सूरत यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक रह जाए जैसा कि अल्लाह रबुलजा ने फरमाया इन नशेर का जुल आजीम करना बहुत बड़ा जुल्म है उसके बाद फिर जुल्म की दीगर अकसाम है उसके बाद जुल्म की दीगर अकसाम है जिन पर अपनी जान के साथ जुल्म करना दूस, दूसरे लोगों के साथ जुल्म करना लेकिन जुल्म की अकसाम में सबसे बड़ी किस्म क्या है कि ये इतना बड़ा जुल्म किया जाए कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तुम तो उस अह के साथ किसी को शरीक ले रहा हो तो अल्लाह ने फरमाए जो जालिम है वह दूर की बदबख्ती में है वो अलिया और ताकि यकीन कर लें कुरान मजीद में बहुत से मुकाम पर इल्म यकीन के माना में आता है उन्हीं में से ये मुकाम भी है वाली आलमा और ताकि यकीन कर लें कौन अल्लादीना ऊतमा ऊ तो फेल मजूल पैसी वाइज वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया वो यकीन कर लें क्या यकीन कर लें अनहक में रबी का कि यह आपके रब की तरफ से हक है उन्हें यकीन हो जाए कि ये आपके रब की तरफ से हक है फुक मीनू ही वो इस पर ईमान लाए अच्छा जब वो ईमान लाएंगे तो क्या होगा फतुख फतुखी बताइए तो का क्या मतलब है मैं इसलिए पूछ रहा हूं कल के लेसन में यह लफ्ज गुजरा था मुख बीतीन कल इसका इसम फाइल गुजरा था मुख बीतीन बताइए क्या मतलब है ताकि यकीन कर ले वो लोग जिन्हें इलम दिया गया क्या यकीन कर ले कि यह आपके रब की तरफ से हक है तो वो यकीन करने के बाद क्या करें फयु मीनू भी ही वो इस पर ईमान लाए ना सिर्फ ईमान लाए बल्कि जब वो ईमान लाएंगे तो क्या होगा फतुख बे तलू कुलहुम जवाब नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से फतुख बे तहु कुल उनके दिल उनके दिल इसके लिए क्या हो जाए बोले आजिज हो जाए कल गुजरा था ना मुख बीतीन आजी अख्तियार करने वाले समझ आए जी आजिज हो जाए सिस्टर अरीबा इमरान है माशाल्लाह उनका जवाब दुरुस्त

को अल्लाह दीना आम अनु लोग जो ईमान लाए अल्लाह उनको हिदायत देने वाला है किस तरफ हिदायत सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अच्छा है उन पर के वो अल्लाह के नाजिल करदा किताब कुरान मजीद पर यकीन भी रखते हैं कि वो ईमान भी लाते हैं और उनके दिलों में कुरान के लिए नरमी भी पैदा हो जाती है के लिए दिलों में का पैदा हो जाना, अपने में से के लिए वक्त का खास मजीद की तिलावत के, के, के लिए दिल कुरान मजीद पर अमल करने के लिए इसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी में लाने के लिए दिलों की तड़प यह है दिलों की अल्लाह अकबर और ये अहले ईमान पर अल्लाह का खसूसी इनाम है लेकिन इसके मदे मुकाबल को फार का ताल्लुक अल्लाह ने फरमायादी और काफी लोग हमेशा रहेंगे हो शक में रहेंगे इस कुरान से शक करते रहेंगे कि पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है भी या नहीं या मोहम्मद सलम को कोई आकर को सिखा गया हमेशा शक करते रहेंगे कब तक है यहां तक के आ जाए हम उनके पास असात क्यामत बख्तन अचानक शक करते रहेंगे यहां तक के अचानक से क्यामत कायम हो जाए या क्यामत आ जाए या ओ या, या आ जाए उनके पास आजाब यो आकीम अकीम कहते हैं बाज को बाज दिन का अजाब आ जाए अच्छा जी बाज दिन कौन से है कयामत के नामों में से एक नाम यौम नाकीम भी है कि कयामत का दिन वो बाज दिन होगा अच्छा इसको बाज क्यों कहा गया कयामत के दिन को बाज दिन इसलिए कहा गया कि उसके बाद कोई दिन नहीं होगा वहां पर दिनों की इंतहा है दुनिया की इंतहा है योम आखिरा भी इसलिए कहा गया वो आखिरी दिन है तो योमिन आकीम क्या वो इस इंतजार में है या वो हमेशा शक में रहेंगे यहां तक कि उनके पास कयामत आ जाए अचानक से या फिर बड़े जो दिन है उसका अजाब उन पर आ जाए अल्लाह नंबर उन्तालीस की तरफ चलते हैं पारा नंबर सत्रवा है इस सफे पर आयात फिफ्टी सिक्स से लेकर सिक्सटी फोर तक ये आयात है इन आयात को देखिए जिनको मुख्त मौजुआत और इशारात के अंदर तकसीम किया गया है हम वन बाई वन इन मौजुआत को पढ़ते हैं अल्लाह ने फरमाया ये जो योम नाकीम है ये जो कयामत का दिन है अलमुल्क योम ला अलमुल्क बादशाहत योम उस दिन लाही अल्लाह के लिए है उस दिन की बादशाहत अल्लाह के लिए है दुनिया में दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा भी लोग बादशाह बने फिरते हैं लेकिन क्यामत के दिन की बादशाहत एक उस अकेले अल्लाह के लिए जैसे सूरत फातेह में फरमाया मालिकी योम दीन वो बदले के दिन का मालिक है बादशाह है अच्छा अल्लाह क्या करेगा यह कुम बई नुम फैसला करेगा उनके दरमियान लोगों के दरमियान फैसला करेगा अच्छा जब वो फैसला करेगा फल्लीन आमनु आमिल हाथ वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए फी जन्नत नईम वो नेम तो वाले बागात में होंगे अल्लाह मजा अल्लाह मजा अल्लाहुमा जालना मीन हमें खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल तेरे फैसले के बाद जिनको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा और अल्लाह हमें हर तरह की आजमाइश से महफूज रख अल्लाह ने फरमाया ईमान और नेक अमाल करने वाले जन्ना तन्ना नेम तो वाले बागात में होंगे और उनके बरक्स والذين اللهم اللهم لا تجعلنا منهم और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वी आया और उन्होंने हमारी आयात को जुटलाया फा तो यही वो लोग है अजाब नजाब होगा मुहीन युहीन उसे इसम फाइल है रसवा करने वाला अजाब ऐसा अजाब जिससे वो रसवा हो जाएंगे अल्लाह होगा अब इन आयात में अल्लाह की में हिजरत करने वालों की फजीलत है अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों की फजीलत अल्लाह ने फरमाया वो, वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया या वो मर गए या उन्हें शहीद कर दिया गया अल्लाह की राह में हिजरत करते हुए या वो फौत हो गए उनका बदला क्या है लर्जो हसना रज़ा का फेल मुजारे शुरू में लाम आया आखिर में नून आया दोनों ताक़ीद के लिए अलबत् रिज कैसा रिज रिजन हसना बड़ा पाक रिज रिज का लफ्जी मतलब होता है अल्लाह की अता खाने पीने का जरूरी नहीं कि रिज खाना खाना पीना तो रिज की एक किस्म है रिस्क बड़ा वसीम मफहूम है दिन इस्लाम में तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उन्हें जरूर नवाजेगा अता करेगा रिस्क हसन इसी वजह से देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में क्या शामिल थी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला बेशक लहर और राज और वो अता करने वालों में सबसे बेहतरीन अता करने वाला है वो रिस्क देने वालों में सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है वो जरूर दाखिल करेगा उन्हें कहा दाखिल करेगा मुद खर दू मुद एक दाखिल करने की जगह हो जिससे वो राजी हो जाएंगे यर दऊ न हो जिससे वो राजी हो जाएंगे अल्लाह उन्हें ऐसा बदला देगा या ऐसी जगह पर दाखिल करेगा जिसे वो राजी हो जाएंगे अल्लाह अकबर दुनिया के अंदर जो जो आजमाइशें उन पर आई हिजरत करना क्या कोई आसान काम है अपने अहलो याल को छोड़ना वतन को छोड़ना घर बार को छोड़ना मालो दौलत को छोड़ना सब कुछ छोड़कर अल्लाह के नाम में हिजरत करना अल्लाह अकबर तो अल्ला ने फरमाया ये दुनिया में जितनी उन पर तकलीफें आई आजमाइं आई अल्लाह उनको ऐसा बदला देगा यर जिसे वो राजी हो जाएंगे अल्लाह अकबर इन अल्लाह वो अपने बंदों के साथ नरमी करने वाला बुर्दबा और इल्म रखने वाला है हर चीज को वह जानता है ये। आकबा। और जिसने बदला लिया जैसा उसके साथ किया गया था सुम भुगिया फिर उस पर बगावत की गई फिर उस पर बगावत की गई लयन सुरन सुर अल्बत्ता अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा इन अल्लाह बेशन करने वाला गफूर मुआफ करने वाला है दो सिफात आई आफूफ और गफूर

बेशक तो वह है मुआफ करने वाला है तोहिब अफवा मुआफी को पसंद भी करता है फू एह हमसे भी दरगुजर फरमा हमें भी मुआफर आयत नंबर साठ की तफसीर को समझिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके एक शख्स ने दूसरे पर जुल्म किया एक जालिम है फिर मजलूम यह दूसरा मजलूम है अब मजलूम से यह कहा गया कि तुम उसे अपना बदला ले लो मजलूम ने उसे अपना बदला ले लिया हिसाब बराबर हो गया शरीयत इस्लामिया के अंदर यही कंसेप्ट किसास का कि जिसने जुल्म किया उसे उसको बदला लेकर दिया जाए अब देखें जालिम को उसके जुर्म की सजा मिल गई मजलूम ने बदला ले लिया जैसा उसके साथ जुल्म किया गया था अब ऐसा हुआ कि बदला लेने के बाद भी मजलूम की तरफ से म को कोई तकलीफ पहुंचाई जाती है या जालिम की तरफ से मजलूम पर कोई बगावत की जाती है समझा कि ना उन दोनों में से किसी की तरफ से भी सब कुछ बराबर हो गया बदला हो गया फिर बगावत की जाती है भूखिया आ ले ही फिर उस पर बगावत की गई तो जिस पर यह जुल्म किया गया बगावत की गई अल्लाह अल्लाह अलबत् अल्ल जरूर उसकी मदद करेगा अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा अकबर तो उम्मीद है कि चंद्रा है अल्लाह की निशानियां सुने। अल्ला ने दालिका ये ये कि अल्ला वो दाखिल करता है रात को दिन में दिन चर रहा होता है रोशनी चल रही होती है रोशनी के अंदर रात दाखिल हो जाती है अंधेरा हो जाता है वो अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में जन्ना नहारा और दिन को दाखिल करता है फिली रात में अल्लाह और ये कह सिका ये क्यों है क्योंकि वो हक है वह और जिन को वो पुकारते हैं मिन दूनी ही उसके अलावा अल्लाह के अलावा जिन जिनको वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं वो बातिल है अल्लाह ने अगर अपनी इबादत की दावत दी तो अल्लाह ने अपनी निशानी भी बताई कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है क्या गैरुल्ला जिनकी इबादत की जाती है उनमें से भी कोई ऐसा कर सकता है अल्लाह अकबर अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह हक है और जिनको वह पुकारते हैं अल्लाह के अलावा मिंदू नहीं उसके अलावा वह बाह है वह अन्ला और यह कि अल्लाह अली कबीर वो बुलंद है और वो बड़ा है वो कबीर है वो अल्लाह बुलंदोबाला भी है वो अल्लाह बड़ा भी है कबीर भी है मजीद अल्लाह की निशानियां देखिए अलम तारा क्या आपने नहीं देखा अन अल्लाह ये अल्लाह ने नाज़िल किया आसमान से मा अन पानी फतुस बिहुल अर तो हो गई जमीन मुखर्रा सरसब्ज मुख्तर्रा सरसब्स अरबी जुबान में सब्ज कलर को खजरा कहते हैं उसी से के ज़मीन सरसब्ज़ हो गई क्या ये अल्लाह की निशानी थोड़ी है इन अल्लाह बेशक लकीफ उन मेहरबान मेहरबानी करने वाला है खबीर खबर रखने वाला है लहू माफी समावात उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है वह इन और बेशक वो अल्लाह लापरवा है वह गनी है तारीफ है किसी की कोई परवाह नहीं वह गनी है और वो काबिल तारीफ है वो काबिल तारीफ है नबी करीम ने एक हदीस के अंदर इसीलिए फरमाया कि रबुल्जत फरमाते हैं शुरा या न शर्क मैं तमाम शुरुआ में सबसे ज्यादा गनी हूं सबसे ज्यादा बेपरवाह हूं किस से आनी शिर से मन आमिला शिरक हो शिर हो, जिसने कोई अमल किया और उसने मेरे साथ किसी को शरीक ठहराया मैं उसको भी छोड़ देता हूं और उसके उस अमल को भी छोड़ देता हूं चाहे आप देखें अमल किया और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया इसकी दो सूरतें हैं एक शिरके असगर रे वाली सूरत के अमल तो अल्लाह के लिए करे नीयत के अंदर गैरुल्लाह है चाहे वो दुनियावी मफाद है चाहे वो लोगों की तारीफ है चाहे वो कुछ भी है समझाया और दूसरा शिरके अकबर के पूरी की पूरी इबादत ही गैरुल्ला के लिए करना शुरू हो जाए तो लन फरमाए जिसने कोई अमल किया उसमें मेरे साथ किसी को शरीक ठहराया मैं उसको भी छोड़ देता हूं उसके अमल को भी छोड़ देता हूँ अल्लाह अकबर आज के हमारे सेकंड लास्ट पेज सफ़र नंबर 340 की तरफ चलते हैं पारा नंबर सत्रवा है और इस सफ़े पर आयात हैं 65 से लेकर 72 तक जिनको मुख्तलिफ इशारात और मौजूद के अंदर तकसीम किया गया है वन बाय वन इन हम इन मौजुआत की तरफ चलते हैं आलम तारा क्या आपने नहीं देखा अल्लाह ने सख़र अलकुम मुसख़र किया तुम्हारे लिए मुसख़र का मतलब यानी ताबे किया उस अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिया किसको माफिल और दी जो कुछ जमीन में है जो कुछ जमीन में अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख़र किया वल फुल का तजरी बहनी और कश्ती उस अल्लाह ने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसक्र किया तजरी वो चलती है फिल बी समंदर में भी अम रही उसके हुक्म से देखें, यानी समुंदर के मुकाबले में कश्ती की क्या हैसियत है बाज़ बाजत कोई बहरी जहाज सफर के दौरान समुन्दर के अंदर डूबे उनको तलाश करने में सालों गुजर गए समुंदर के आगे कश्ती की बहरी जहाज की क्या वक्त है अल्लाह के हुक्म से कश्ती उस जहाज में डूबती नहीं और जो समंदर के अंदर डूबती नहीं है बल्कि उसके ऊपर चलती रहती है अल्लाह अल्लाह के हुक्म से

हाँ गिरेगा उसके हुक्म से उसकी इजाजत के बगैर वो आसमान भी नहीं हिल सकता इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों पर लरऊफ़ अलबत्ता मेहरबान है रहीम रहम करने वाला है वह अल्लज़ी अल्लाह वो जात है जिसने अहया जिंदा किया कुम तुम्हें ये जो हमारी पैदाइश है अभी वाली उस अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया सुम्मा फिर तो कुम वो तुम्हें मौत देगा जो इंसानी जिंदगी या किसी भी चीज का आखिर मौत है इस दुनिया में फिर वो तुम्हें उठाएगा फेल माजी मुजारे देखिए फेल माजी भी आया इसी आयत में और फेल मुजारे भी यु ही फिर वो जिंदा करेगा तुम्हें इस जिंदा करने से क्या मुराद है मतलब क्यामत के दिन योमस उस दिन तुम्हें जिंदा करेगा इन इंसान अल कफूर बेशक इंसान बड़ा ना शुक्रा है अल्लाह की सिफ आई लाराओ फुर नफूर इंसान इंसान तो बड़ा ना शुक्र है अल्लाह ने फरमाया कुल्ली उम्मत इन हर उम्मत के लिए हर गुरोह के लिए जाअल ना मन सकन हमने बनाई इबादत के तौर तरीके मन सकन इबादत का तरीका हर उम्मत के लिए हमने इबादत का तरीका बनाया हम वो ना फाइल है ना सिकू जमा नून गिर गया ना सिकूह वो उस इबादत को सर अंजाम देने वाले हैं करने वाले हैं फला का पस आपको हरगिज आपसे ना झगड़े फिल अमरी मामले में आपसे वो हरगिज इस बारे बारे में ना जगड़े आप देखें होते ऐसे था कि जब भी दीन इस्लाम का कोई हुक्म कोई अहकाम अल्लाह की तरफ से नाजिल होते हैं तो यहूदों ने सारा कुफार आकर नबी करीम सहसा जगड़ना शुरू कर देते तो अल्लाह ने बताया कि हर उम्मत की शरीय है बनी इसराइल है उनकी अपनी शरीय है उससे पहले कौम इब्राहिम है कौम नू है उनकी अपनी शरीयें हैं तो हर उम्मत के लिए अल्लाह ने एक इबादत का तरीका रखा और वह उसको करने वाले हैं तो आपसे वो ना झगड़े इस मामले में और मोहम्मद को क्या हुक्म दे दिया गया वो इला रबी का आप अपने रब की तरफ पुकारिए बुलाइए अपने रब की तरफ इन न का बेशक लादन बेशक अलबत् हिदायत पर है मुस्तकीम मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम आप एक सीधी हिदायत पर है देखिए जैसे सिरात की सिफत आती है मुस्तकीम इसी तरह हुदा कि सिफाई मुस्तकीम, ऐसी हिदायत जो मुस्तकीम है आप तो उस पर हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इनकी बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि आप तो सिरा मुस्तकीम पर हैं आप तो हिदायत मुस्तकीम पर हैं वह इन जाद का और अगर वो आपसे झगड़े फकुल बस कह दीजिए क्या अल्लाह अल्लाह ज्यादा जानता है बीमा जो तुम आमल करते हो जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसको ज्यादा जानता है अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उससे ये कह दीजिए अब क्या होगा तुम जगड़ तो रे हो अल्लाह बेई नकुम अल्लाह फैसला करेगा बेई तुम्हारे दरमियान योम क्यामत कियामत के दिन अल्लाह कियामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा किस चीज में फी माँ उसमें जो कन तुम फी तख्त जिसमें तुम इख्तिला करते थे देखे पास कंटिन्यूज आ गया माजी इस जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा कि के दिन उस चीज में आलम क्या आप नहीं जानते अल्लाह जानता है माफी और जो आसमानों में है और जो जमीन में है वह इनका फी किताब और ये तमाम चीजें किताब में है बोलिए ये तमाम चीजें एक किताब में है जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह इज्जत ने जमीन व आसमान की पैदाइश से पचास हजार साल पहले कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया लिख तो ये जो कुछ है ये एक किताब में है इन नजालिका बेशक ये अल्लाह अल्ला पर यसीर बड़ा आसान है मत समझिए कि ये निजाम चलाना और ये सारी चीजें अल्लाह के लिए मुशक्कत का बाइस है बल्कि अल्लाह ने फरमाया वला आसमान की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं इन नजाल का यसर ये तो अल्लाह पर बड़ा आसान है यसीर है आइन के साथ हो आसी तो उसका मतलब मुश्किल या के साथ हो योजा तो मतलब आसान ये तो बड़ा आसान है वया अबुदानम ही और वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा ममयू नज़िल भी सुल्तान जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी सुल्तान दलील कोई दलील नहीं उतारी अल्लाह ने यानी वो अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं गैरुल्ला की और ये समझते हैं कि हम हिदायत पर हैं हालाँकि अल्लाह ने उनकी इस गैरुल्ला की इबादत की शिरक की तो अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी मा ले और जिस चीज का उन्हें कोई नहीं है वह मादी अमिन नसीर याद रखो कि कोई मददगार नहीं होगा वहन और नहीं होगा जालिमों का मिन नसी कोई मदद करने वाला वह इदा तुत लि आया तुना और जब तिलावत की जाती है उन पर हमारी आयात तीन वाजे जब उन पर हमारी वाजे तिलावत की जाती हैं, तारीफू आप पहचानेंगे मोहम्मद आप देखेंगे पहचानेंगे फी वजूहदीना काफरू काफिरों के चेहरों से वजह उनकी जमा वजू, आप काफिरों के चेहरों से पहचान जाएंगे क्या अल मुनकर नापसंदीदगी इनकार काफरों के चेहरों से नापसंदीदगी दिखाई दे रही होगी जब उन पर पुराने मजीद की वाज आयात तिलावत की जाती है अच्छा उनका रवैया क्या होता है यकादू ना करीब है लदीना वो हमला कर दी उन लोगों पर जो यत लूना अलीम तिलावत करते हैं उन पर ना हमारी आयात जो अहले ईमान उन काफिरों पर हमारी आयात तिलावत कर रहे हैं करीब है कि वो उन पर हमला कर दे सता यस्तु हमले करना हमला करने के माने में यस्तु ना वो हमला कर दे हमलावर हो जाए उनके चेहरों से कराहत नापसंदीदगी दिखाई दे रही होती है जब अहले ईमान उन पर आयात की तिलावत करते हैं कुल ए मोहम्मद वसल्लम कह दीजिए अफाओ उकुम क्या मैं तुम्हें खबर दूं क्या मैं तुम्हें खबर दूं इससे भी बुरी चीज इन काफरों को बता दीजिए क्या तुम्हें मैं इससे भी बुरी चीज की खबर ना ये जो तुम करते हो इससे कई गुना बुरी चीज शर और वो क्या है अन्नार वो आग है तुम्हारे इस किए की सजा आग है तो क्या मैं तुम्हें उसके बारे में ना बतलाऊंफर अल्लाह ने जिसका वादा किया है काफरों के साथ मैंने बताया था नार अरबी में मोनस इस्तेमाल होता है तो इसीलिए आया वादा वह अल्लाह ने उस आग का वादा किया है अलना काफर उन लोगों से जिन्होंने को फर किया वेर और कितना ही बुरा यह ठिकाना है पहुंचने की जगह कितना ही बुरा यह ठिकाना है आग जिसका अल्लाह ने उनसे वादा किया सत्रवे पारे का सूरतुल हज का और हमारे लेसन का आखिरी पेज सफ़ा नंबर तीन सौ इकतालीस है कुरान मजीद का पारा नंबर सत्रह है इस पारे का बीसवा सफ़ा है और इस सफ़े पर जो आयात है वो सेवेंटी थ्री से लेकर सेवेंटी एट तक की आयात है बड़ी खूबसूरत एक मिसाल अल्लाह ने बयान की बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ने फरमायान्ना दोरी बा महल एक मिसाल बयान की जा रही है बस गौर से सुनो लहू उस मिसाल को गौर से उस मिसाल को सुनो इस्मा के देखिये एक चैप्टर है समियामो तीन हरफी समियामो उसका मतलब है सुनना आपके कानों में कोई आवाज पड़ रही है लेकिन यह चैप्टर है इस इख्तलाफ इखाफो के स्टाइल पर वजन पर इस्तमियो इसका मतलब होता है गौर से सुनना कान लगाकर सुनना ऐसा सीमा जिसमें फाहम भी होता है अंडरस्टैंडिंग भी है समझ भी आ रही है पता चल रहा है कि आज सुना जा रहा है गौर से तो ए लोगो एक मिसाल बयान की जा रही है इसको जरा गौर से सुनो इन बेशक वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह ला के अलावा जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा लें यखलुकु उन्होंने वो हरगिज पैदा नहीं कर सकते देखें फेल मुजारे से पहले आता है लई और फेल मुजारे में नफी का माना पैदा करता है ताकिद का माना पैदा करता है और मुस्तकबिल का माना पैदा करता है आप देखें अखलू को वो हर हरगिज पैदा नहीं कर सकते या हर हरगिज पैदा नहीं कर सकेंगे जुबा एक मक्खी वाला विच तमाऊ और अगर वो जमा हो जाए लहूस के लिए सारे के सारे जमा भी हो जाए तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है वह ई यस लुब हूम उबू और अगर सालाबा यस लुबू का मतलब क्या है जी खींच लेना अगर खींच ले जाए उन से अब मक्खी शे कुछ भी अगर मक्खी उनसे कोई चीज भी खींच ले जाए ला यन की दूह मिन तो वह उससे वापिस तलब भी नहीं कर सकते जो मक्खी ले जाए उसको वापिस भी नहीं ला सकते इनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा अल्लाह पुकारने वाले हैं और जिसको पुकारा जा रहा है वो है दोनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया फरमायाल मतलूब कमजोर हैं पुकारने वाले भी तालिब भी तलब करने वाला भी और मतलूब इसमें मफूल है ऑब्जेक्ट जिससे तलब किया जा रहा है करने वाला और जिससे किया जा रहा है दोनों ही कितने कमजोर हैं एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते मक्खी पैदा करना तो कुछ मक्खी अगर कुछ उनसे उनके खाने में से कोई हिस्सा लेकर उठ जाए वो उसको वापस भी नहीं ला सकते अल्लाह मा कदर हक का कदरी ही हकीकत तो यह है कि लोगों ने मा कदर अल्लाह की कदर नहीं की अल्लाह की कदर नहीं की कदर ही जैसे उसकी कदर करने का हक था जो अल्लाह की कदर करने का जो अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक उसकी उसकी कदर थी लोगों ने वो नहीं की मां कदर अल्लाह नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह की हक का कदर ही जैसे उसकी उसका मर्तबा था उसकी उसकी कदर का इन अल्लाह लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि लोगों के कदर ना करने की वजह से उसकी बादशाहत के अंदर कोई कमी आई हो बल्कि उसकी तो सिर्फ है इन अल्लाह कवी है, आजीज अल्लाह ताकतवर गालिब है, ताकत है। कवि वो वो कवि है उसकी सिर्फ कवि भी है और गालिब भी है अल्लाह अकबर यस्तफी देखें किसी भी सूरत के आखिर को बड़े गौर से सुना करें उस सूरत के अंदर मुकम्मल खुलासा बयान हो रहा होता है उस पूरी सूरत का सूरत के आखिरी पेज या आखिरी आयात में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह 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 यस्तफी चुन लेता है मिनल मलाइकाती फरिश्तों में से रुसुला अपने पैगंबर व मिनन नासी और लोगों में से अल्लाह इंसानों में से भी अपने पैगंबर चुन लेता है और अल्लाह रसूलों में से भी अपने पैगंबर चुन लेता है जैसे अल्लाह ने फरिश्तों में से जबरीले अमीन को चुन लिया अपने पैगाम को अपने एम्बिया रसूल तक पहुंचाने के लिए या किसी फरिश्ते को अजाब के लिए या कोई पैगाम के लिए चुने अल्लाह तो अल्लाह फरिश्तों में से भी अपने पैगम्बर अपने रसूल चुन लेता है पैगाम को लाने वाले और लोगों में से भी अल्लाह चुन लेता है इन अल्लाह समी बसीर बेश सुनने वाला देखने वाला है वो जानता है मा बीना दहीन जो उनके हाथों के दरमियान है क्या मतलब जी हाथों के दरमियान है बताइए है, मतलब हाथों के दरमियान पहले कई मरतबा गुजर चुका है अल्लाह जानते हैं जो उनके हाथों के दरमियान हैुरजा मामला को लुटाया जाता है फेल मजहूल है तुरजा लुटाया अल्लाह की तरफ तो वहां मामला को लुटाया जाता है सोहेल सुहेल अहमद गाजी साहब है शिराज साहब है और मोहम्मद मोहम्मद हैं नहीं मोहम्मद नहीं बल्कि अ... शहवार हैं आति वाजी साहब माशा सबके जो आबाद बार फीको उसके बाद भी बीसी सी जो आबाद हाथों के दरमियान इससे मुराद होता है सामने दोनों मुराद हो सकते हैं या तो जो जेहत है डायरेक्शन है वो भी मुराद हो सकती है अल्लाह उनके आगे पीछे सब जानता है और इससे मुराद वक्त भी हो सकता है जमान भी हो सकता है मतलब मका भी हो सकता है और इसे मुराद जमान भी हो सकता है आगे पीछे मतलब आने वाले वक्त को और पीछे मतलब गुजरे हुए वक्त को लसब को जानता है वाह की उमूर और मामलात को अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है राजा अयरजू से फेल मजहूल तुरजा अल्लाह अकबर आखिरी आयात है दो इस सूरा की फरमायादीन आ मनु अहले ईमान के लिए इस सूरत में तसली भी है हौसला भी है क़यामत के दिन का बदला भी है इन तमाम चीज़ों को ल रबुल्जत ने और फिर उसके बाद कुफार और उनके शिर्क का मुशरिकीन के शिर्क का रद भी है उनके शिर्क की कमज़ोरी भी है तमाम चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ने अहले ईमान को हुक्म दिया या युद्धी आम अनु ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो आम अनुर रुकू करो वो और सजदा करो वह बुदो और अपने रब की इबादत करो वो लोगो जो ईमान लाए हो रुकू करो सजदा करो और अपने रब की इबादत करो वैर के काम करो लकुम ताकि तुम फला पाओ खैर के काम करो ताकि तुम फला पाओ तो सवाल यह है कि यहां पर आया वह अब अब अपने रब की इबादत करो तो क्या रुकू और सजदा इबादत में शामिल नहीं है शामिल है लेकिन अलग से यह अहमियत पर दलालत करते हैं रुकू और सजदे की कि पहले अल्लाह ने हुक्म दिया ए वो लोगों जो ईमान लाए और रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और बाजा ने इसी आय से इस किया कि नमाज जमात के अंदर फारज है क्योंकि अल्लाह ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि सब मिलकर रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो नेकी के काम करो ताकि तुम फला पा सको जह ही दो फिल्ला और अल्ला की राम जिहाद करो कैसे हक का जिहाद ही जैसे कि जिहाद करने का हक है जिहाद का लगता कोशिश करना होता है इसकी मुख्तलिफ अकसाम है जिनमें सबसे आखिरी किस्म कि जंग करना लड़ाई करना तमाम अकसाम आ जाती हैं अल्लाह की राम में कोशिश करते रहो जिहाद करते रहो जैसे के जिहाद करने का हक है अल्लाह ने तुम्हें चुना है इच उस अल्लाह ने चुना है कुम तुम्हें वमा जाला अलैकुम इन तमाम ये जो ऊपर आमल गुजरे हैं ना रुकू सजदा इबादत या नेकी के काम करना इनको अपने लिए बोझ ना समझना क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमा जाला अलैकुम उसने नहीं बनाया तुम पर फिर दीनी दीन में मिन कोई हरज कोई खर्च कोई तंगी कोई मुश्किल उस अल्लाह ने तुम पर दीन के मामलों में नहीं रखी मिल्लता अभी कुम इब्राहिम ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिलत है ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है एक अल्लाह की इबादत करना सबसे कटना पड़े कट कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ जुड़ जाना ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है हुआ मुस्लिमीन उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है मुस्लिम इसम फाइल है असलमयूस्लिम से मुस्लिम मुस्लिम मतलब एक अल्लाह के फर्माबरदार बनने वाले एक अल्लाह के सामने झुक जाने वाले मीन इससे पहले वफी और इसमें इस किताब मजीद में भी और इससे पहले भी अल्लाह अकबर नबी करीम वसल्लम और उम्मत मुहम्मदिया का एक बहुत बड़ा फरीजा क्यामत के दिन का कि वो तमाम लोगों पर गवाही देना फरमाया लियूनर रसूल हो ताकि रसूल हो जाए शहीद ना अली तुम पर गवाह रसूल तुम पर गवाह हो जाए वो और तुम हो जाओ शोहदा गवाह नासी तमाम लोगों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ तफासिर के अंदर आया है उम्मत मोहम्मदिया यानी उम्मत मोहम्मदिया के लोग कैसे गवाही देंगे जब रसुल से पूछा जाएगा कि क्या तुमने अल्लाह के पैगाम को अपनी अकवाम तक पहुंचाया वो अम्बिया और गवाही वो कहेंगे ए अल्लाह मोहम्मद की उम्म से पूछिए अल्लाह अकबर किस कदर शरफ की बात है ए अल्लाह मोहम्मद सल अलाम की उम्मत से पूछिए कि हमने तेरे पेगाम को तेरे बंदों तक पहुंचाया था और उम्मत मोहमदिया के लोग गवाही देंगे कि हाँ अल्लाह हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था और हमारी किताब कुरानी मजीद में आया था कि तेरे ही रसूल ने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक पहुंचा दिया था यह वो क़यामत के दिन की गवाही है तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ और एक तफसीर यह भी की गई कि तुम बाज बाज पर गवाह हो जाओ क़यामत के दिन फल बस नमाज को कायम करो वह आत जकता और जकत को दो वह तसीम बिल्ला और अल्लाह को मजबूती से थाम एहतिसाम से है मजबूती से थाम लेना अल्लाह को हुआ मऊला कुम वो अल्लाह तुम्हारा मालिक है फन अमल मऊला वो कितना अच्छा मालिक है वह नसीर और कितना अच्छा मददगार है क्या उस मालिक के होते हुए तुम्हें गैरुल्लाह की जरूरत है तुम्हें किसी के लिए इबादत करने की जरूरत है उस मालिक के होते हुए अल्लाह हुआ, हुआ कुम वो तुम्हारा मालिक है कितना ही अच्छा मालिक है और कितना ही अच्छा मददगार है अलहमदिल्लाहत अल्लाह रबुल्जत की तोफीक से हमारे इस मुबारक सिलसिले का एक और जुज़ एक और पारा पाया तकमील को पहुँचते अलहद ला आज हमारा सतरवां पारा सूरतुलहज मुकम्मल हुई अगले सेशन में इनशा अठारहवें पारे के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी अच्छा सीखने और कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप रोज़ाना का सबक दोहराइए साथ, साथ लिखिए और नोट्स मुकम्मल कीजिए जो पढ़ते हैं उसे किसी को पढ़ाने की कोशिश भी करें कफ़ार मलिस की दुआ पढ़िए सुबह अकल्ला वी हमदी का अशहद्ल अंताफ़िर व अतूबुल